बीफ इसमें ऐसे है कि बिल्कुल क्लीन बीफ है जी। तो ये बर्गर हमारे आ चुके हैं, ये हमारे बीफ बर्गर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम मौजूद हूँ स्मैश बर्गर पे और ये है गिरजा चौक। बर्गर की क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है और जो सॉस है सॉस के साथ ही इसका मज़ा ज़्यादा आ रहा है। इनका जो साइन बोर्ड है वो तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसकी लाइट इतनी तेज़ है कि पढ़ा भी नहीं जा रहा क्या लिखा है। इन्होंने हमें जो किचन की वीडियो अलाउ नहीं की, कह रहे हैं हमें ओनर की तरफ से जो है वो परमिशन नहीं है। तो अब हम आपको इनका बर्गर भी खा के दिखाएंगे, बर्गर कैसा है, बर्गर टेस्ट भी बताऊँगा आपको कैसा है और बर्गर दिखाऊँगा भी कैसा है। मैं बर्गर का वेट कर रहा हूँ, बर्गर आता है तो मैं आपको इंशाल्लाह उसका बर्गर की वीडियो भी दिखाता हूँ और बर्गर का टेस्ट भी बताऊँगा जी। तो ये बर्गर हमारे आ चुके हैं, ये हमारे बीफ बर्गर हैं, स्मैश इसका नाम है, गिरजा चौक पर ये मौजूद है और मैं आपको इसको अनबॉक्स तो बॉक्स तो नहीं है इसको अनरैप करके दिखाता हूँ। ये बीफ बर्गर है और चीज़ की लेयर इसमें इस तरह से लगी हुई है। बन इनका जो है ये कोई पता नहीं, शायद कोई इम्पोर्टेड है या लोकल है मुझे नहीं पता, लेकिन है जैसे वो जो वो सुबह के टाइम चाय में वो के बन खाते हैं ना उस टाइप का बना। तो अब इसको हम खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इसके साथ ये गार्लिक सॉस है, ये गार्लिक सॉस भी इसके साथ है, मतलब बिल्कुल ये सऊदी याद करवा दी है अच्छा टेस्ट है और बहुत अच्छा है, आप भी हैं इसको आप ट्राई करें। ये बीफ इसमें ऐसे है कि बिल्कुल क्लीन बीफ है, इसमें किसी किस्म की कोई फैट वगैरह या कोई ऑनियन वगैरह कोई चीज़ में एक्स्ट्रा नहीं है, बीफ ही है और बीफ का टेस्ट भी अच्छा है। बर्गर की क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है और जो सॉस है सॉस के साथ ही इसका मज़ा ज़्यादा आ रहा है। और अभी आप मैं एक बर्गर पूरा खा चुका हूँ और ये मेरा दूसरा बर्गर है और महसूस नहीं हो रहा कि मैंने कुछ खाया है, मतलब एक बारापन जो होता है ना बर्गर खा के वो महसूस नहीं हो रहा। और इसमें चीज़ लगी हुई है, बीफ की पैटी है और बन जो है वो बहुत जैसे बटर में इसको बन को जो है ना वो इन्होंने बनाया हुआ है, तो बटर का टेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें आ रहा है और सबसे ज़्यादा मज़ा जो सॉस के साथ आ रहा है। तो मैं इसका एड्रेस आपको समझा दूँ कि यहाँ से अगर आप आएँ तो मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो गिरजा चौक है और गिरजा चौक पे सामने पीएसओ का बहुत पेट्रोल पंप है, लेकिन आपको अगर यहाँ पे आना होगा तो गिरजा चौक से यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि ये जो है वो वन वे है। आपको गिरजा चौक से यू टर्न लेके आगे से इस वाली साइड से, ये पार्क वाली साइड है, इस साइड से यहाँ पे आना पड़ेगा। स्मैश इसका नाम है, ये बिलाल भाई हैं और मैं आपके सामने, मुझे तो आप सब जानते ही होंगे लेकिन बर्गर जो है वो तकरीबन एक बर्गर एक बंदे के लिए कम है, जितना सारे बर्गर था ना तो कम से कम दो बर्गर होने चाहिए। बर्गर खा के अब हम फ्री हो चुके हैं और हमारा बिल आ चुका है, चार बर्गर थे और इसका जो बिल है वो है जी 2457 रुपये 2457। और अगर आप मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस जो हैं वो चाहते हैं कि मैं आपको दिखाता रहूँ अलग अलग जगहों पर जाके, तो आप अगर तो इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें और अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये जो बेल का आइकन है इसको लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो आप दिखकर आती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।